प्रेगनेंसी कैसे चेक करें, ऐसी कौन सी निशानियां डॉक्टर साहब कि जिनको हम देखकर ये कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो बाय टेस्ट कराने के लिए नहीं जाना चाहती, वो चाहती हैं कि हम घर बैठे ये चेक कर सकें कि प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो कुछ ऐसी निशानियां मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने वीडियो को पूरा देखने इंशाल्लाह आपको सारी निशानियाँ समझ आएंगी। मेनिसिस एक बहुत बड़ा साइन होते हैं। अगर मेनिसिस आपको फिक्स डेट पर आते रहे हों, यानी कि अगर आपको महीने की 10 तारीख को कंफर्म आते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आपकी जो डेट है ना तो ये लेट हो जाए, तो चांसेस है कि प्रेगनेंसी है। ये 100% कंफर्म नहीं है कि आप हामले हैं। और सेहत के मामले में और भी केसेस होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस, इसकी वजह से भी आपके एक दिन दो दिन डिले हो सकते हैं। सुस्ती थकावट एक बहुत बड़ा साइन होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है। आपको अगर आप सुस्ती थकावट महसूस होती हैं, उसके अलावा सुबह के वक्त आपको अगर उल्टी क्या का एहसास होता है तो ये भी इशारा करती हैं। लेकिन बहुत सारी खवातीन में सुबह की ऐसी कोई बीमारियां नज़र नहीं आती। हार्मोन्स में तब्दीली की वजह से ना सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और ये हमल की अब्तदा में होता है, शुरू में। हमला होने की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि आपका जो वज़न है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ने लगता है, और ये ज़्यादातर आपको महसूस नहीं होता है, पाउंड्स में आहिस्ता 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 करके बढ़ने लगता है। बच्चेदानी का फैलना आपको दर्द महसूस करवा सकता है और इसमें आपको खून के कतरे भी बाहर आना महसूस हो सकते हैं, और ये 95% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के कि आप हामला हैं। हमल की शुरुआत में छाती में बड़ी चेंजेस देखने में मिलती हैं और ये बहुत बड़ा साइन होते हैं हमला होने का, प्रेगनेंसी का। छाती नरम हो जाती है, सूज जाती है और बड़ी महसूस होने लगती है, निप्पल बड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एहसास हो जाता है। अगर एक लड़की हामला हो रही है या हमला हो गई है तो उसमें सबसे जो बड़ा साइन होता है उसके मूड को होता है, उसका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा भरा रहता है उसके अंदर। तो इस दौरान उसके मियाँ को चाहिए कि उसके साथ कोऑपरेट करें, उसके गुस्से को बर्दाश्त करें। कब्ज, कमर का दर्द, चक्कर आना, ये एक कॉमन साइंस है प्रेगनेंसी के। खाने में ख्वाहिशात का बढ़ जाना और किसी चीज़ को फोकस लिए टारगेट करके उसे नफरत करना, ये बहुत आम हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ग़ज़ाएँ घर में पकती हैं जिसकी वजह से वो ये कह सकती है कि ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, नफरत है मुझे ऐसी चीज़ के खाने से। इसके बड़े साइंस में एक ये भी है कि मैदे में ना गैस बहुत ज़्यादा महसूस होता है और पेशाब में इजाफा हो जाता है, काफ़ी चेंजिंग आती है बॉडीज़ में। अगर ये लम्हात आपको अपने अंदर नज़र आ रही हैं तो आप हामला हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन अगर ये लम्हात आपको उतनी वाज़ह नज़र नहीं आ रही तो आप कोशिश करें कि टेस्ट ही करा लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को आपने लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।